मरतबा फिर इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और पाकिस्तान सुपर लीग के सातवें सीजन का आगाज आज कराची से होगा। मुख्तसर इफ्तिताही तकरीब के बाद दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और मेजबान कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। बहसियत कप्तान कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल फतूहात समेटने वाले बाबर आजम इवेंट में कराची किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में उनके मद्दे मुकाबिल कौमी क्रिकेट टीम में उनके साथी ओपनर और कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान होंगे, जो मुल्तान सुल्तान की कयादत करते हुए अपने टाइटल का दिफा करेंगे। जबकि कराची में खेले जाने वाले मैचेस में 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत है, जबकि इवेंट का दूसरा मैच अगले रोज पिशावर जलमी और क्वेटा ग्लेडिएटर के माबेन खेला जाएगा, जबकि तीसरे रोज टूर्नामेंट का पहला डबल हेडर खेला जाएगा, जहाँ मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की टीमें दिन की रोशनी में, जबकि कराची किंग्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीमें रात को बरकी कुमकुमों की रोशनी में मद्दे मुकाबिल आएंगी। शायकीने क्रिकेट भी PSL का मैच शुरू होने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब कराची में नेशनल स्टेडियम के इतराफ जहां पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं, वहीं पर मैच देखने के लिए आने वाले शायकीन को भी हर तरह की सहूलत फराहम की जा रही है। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मेहताब हुसैन, अरकम न्यूज़, कराची।